बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट कल यानी 21 मार्च को आ गया, जिसमें बिहार की बेटियों ने इस साल तीनों संकायों में अपनी कामयाबी का डंका बजाया है। बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 का कुल पास प्रतिशत 83.7% रहा, तो वहीं कुछ छात्रों को नंबर देखने के बाद ऐसा लगता हो कि उन्हें पेपर हल करने के अनुसार अंक नहीं मिले, तो ऐसे छात्र स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि स्क्रूटनी के लिए क्या प्रोसेस है। बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के लिए स्क्रूटनी का प्रोसेस कल यानी कि 23 मार्च 2023 से शुरू करेगा। कल से शुरू होकर ये प्रोसेस 29 मार्च 2023 तक चलेगा, यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 मार्च है। वहीं आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे के स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि इस तरह है, biharboardonline.bihar.gov.in। इस बाबत बोर्ड ने नोटिस जारी करके जानकारी साझा की है। साथ ही कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट से खुश ना हो, वे स्क्रूटनी राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बता दें कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी कल यानी के 23 मार्च से ही अप्लाई किया जा सकता है। जिन छात्रों की एक या दो विषय में कंपार्टमेंट आई है, वे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कल यानी के 23 मार्च 2023 से किए जा सकते हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 मार्च 2023 है। वहीं आपको बता दें कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर कम आया हो, तो वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के लिए स्क्रूटनी का प्रोसेस कल यानी के 22 मार्च 2023 से शुरू करेगा। कल से शुरू होकर ये प्रोसेस 29 मार्च 2023 तक चलेगा, यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 मार्च है। वहीं आपको एक बार फिर से ये जानकारी दे दें कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे की स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इसके लिए छात्रों को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के फॉर्म भरने होंगे। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।